हाफिज सय्यदी बयान करते हैं, इमाम तिबरानी ने हजरत काब से रिवायत किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गुजरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने उसके हुसन और उसकी तंदरुस्ती को देखकर कहा, या रसूलल्लाह, काश ये शख्स अल्लाह के रास्ते में होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये शख्स अपने छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए जा रहा है तो ये अल्लाह ही के रास्ते में है, और अगर ये शख्स अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत के लिए जा रहा है तो तब भी अल्लाह ही के रास्ते में है, और अगर ये अपनी जरूरियात में खुद को किसी के आगे हाथ फैलाने, सवाल करने से रोकने के लिए जा रहा है, कहीं मेहनत करने के लिए जा रहा है, तो ये भी अल्लाह ही के रास्ते में है। हाँ, अगर ये लोगों को दिखाने और फख्र करने के लिए जा रहा है तो ये शैतान के रास्ते, तब ये शैतान के रास्ते।